हमने अभी बीड़ा उठा लिया है एसएससी, एसएससी की जीडी की भर्ती हो या फिर एमटीएस की हो या सीएचएसएल की हो या फिर सीजीएल की हो, जिसके अंदर आपके इंग्लिश आने वाली है, उस इंग्लिश का इंग्लिश की खोपड़ी के अंदर छेद करेंगे हमारे अमित सर। तो आइए अमित सर, और बच्चों को इंग्लिश पढ़ाइए, सिलेबस का ज्ञान करवाइए, किस प्रकार से इंग्लिश के अंदर 25 का स्कोर है तो उस 25 के स्कोर को 25 में से 25 किस प्रकार से आप मार्क ला सकते हो, ये पूरी जानकारी आप दीजिए। आइए अमित सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हमारे स्टडी पॉइंट। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित सैनी और मैं आपके बीच लेके आया हूँ इंग्लिश की क्लास, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और इसमें पहला टॉपिक हमारा रहेगा टेंस का, जो छोटी से छोटी भर्तियों में भी टेंस का क्वेश्चन पड़ता है। तो चल स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। टेंस है, टेंस, टेंस का मीन्स होता है काल। मुख्यतः टेंस तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। पहला टेंस है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है जो वर्तमान में चल रहा है, और पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया, बीतता हुआ, जिसको बोल सकते हैं भूतकाल। और फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला समय या फिर भविष्यत काल। प्रेजेंट वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, आज से पहले जो भी हुआ वो पास्ट टेंस में गया, और फ्यूचर जो आज के बाद, जैसे कल आएगा ना, कल परसों, कल की डेट वगैरह जो भी आएगा वो फ्यूचर टेंस में आएगा। तो एक एक करके हम तीनों टेंसों के प्रकार बनेंगे, फिर उनकी डेफिनेशन देखेंगे, उनकी एडवर्ब देखेंगे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब देखेंगे। तो बने रहिए हमारी पूरी क्लास के साथ, देखते रहिए। पहली है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के फोर टाइप्स होते हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप है। मेन तो थ्री टाइप के होते हैं टेंस, और टोटल की बोलते हैं, कोई पूछ लेता है कि टोटल टेंस कितने होते हैं, टोटल तो होते हैं 12। प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार, फ्यूचर के चार। तो पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल। तो एक एक करके प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बने रहे पूरे वीडियो के साथ। एक एक करके हम टेंस स्टार्ट करते हैं।
पहले टेंस है हमारे प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल को एक और नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं या फिर प्रेजेंट इनडेफिनेट सेंटेंस भी बोलते हैं। पहला प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की सबसे पहले देखते हैं हिंदी पहचान। हिंदी पहचान क्या होती है? हिंदी पहचान प्रेजेंट, इसकी हिंदी पहचान है ता है, ती है और ते है। अगर हिंदी में अर्थ कर रहे हैं किसी सेंटेंस का तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल का है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट का है? तो जैसे भी कोई सेंटेंस की हिंदी अर्थ करते हैं हम, तो उसका हिंदी में लास्ट के अंदर क्या सेंटेंस में प्रयुक्त होता है? ता है, ती है, ते है। जैसे मैं, जैसे मैंने खाना खाया था, ता है, खाना खाती है, खाना खाता हूं, ऐसा वगैरह आता ना ये सेंटेंस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर इसकी देखते हैं अंग्रेजी पहचान या फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। वो भी डू डज कहां प्रयुक्त होता है? डू प्लूरल के लिए होता है और डज सिंगुलर के लिए। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज का प्रयोग करते हैं हम। बाकी एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में ऐसे ईएस का यूज करते हैं। तो पहली हेल्पिंग वर्ब है अपनी एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य में, साधारण वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रश्नवाचक के जो या फिर नकारात्मक। मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर वर्ग भी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसकी देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू और डज। डू कब लगाते हैं और डज कब लगाते हैं? यदि सेंटेंस सिंगुलर नंबर का हो तो डज का यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है यदि सेंटेंस प्लूरल नंबर का हो तो डू का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस है इसका प्रेजेंट सिंपल, इसकी हिंदी पहचान है ता है, ती है, ते है। मेन वर्ब है, मेन वर्ब एफर्मेटिव सेंटेंस हो, साधारण वाक्य हो, तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। डू कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस सिंगुलर नंबर का हो तब डज का यूज करते हैं, और अगर सेंटेंस प्लूरल नंबर का हो तो डू का यूज करते हैं। इतना समझ में आया? अब चलते हैं अगले
सेंटेंस के टाइप। अब देखते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसी टेंस के अंदर सेंटेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सेंटेंस 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 कितने प्रकार के होते हैं? फोर टाइप के। सेंटेंस फोर प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? फोर प्रकार के। पहला होता है एफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य। दूसरा है नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक। ये चीजें तो हम नाइन्थ और टेंथ में सीख चुके होते हैं। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। और फोर्थ नंबर पे है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक। जो समझ में ना आए ना वो तुरंत पूछ लिया करो, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लिया करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुरेश, सुनील, दिव्या, रवि, निकिता, गुड मॉर्निंग। जो समझ में ना आए ना वो पूछ लिया करो। कहाँ पे क्या चीज लिखी है? फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे लिखा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं। पहला टाइप है एफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। और सेकंड वाला है नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। और थर्ड वाला है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। और फोर्थ वाला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हम एक एक करके इन चारों सेंटेंस के वो फॉर्मूला भी लिखेंगे जो आगे काम आएगा आपके। उसमें सबसे पहले लिखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर 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 क्लियर, सब क्लियर, नो डाउट। चलते हैं फिर आगे, अगली क्लास में एफर्मेटिव सेंटेंस को लेके बात करेंगे हम। कोई डाउट नहीं है? नो डाउट। चलो आगे चलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस को वो फॉर्मूला लिखा था। पहला है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है एफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, और फिर आती है मेन वर्ब, और फिर आती ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा अदर कोई हो तो फिर इसके आगे वो लिखो। ये तो है एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं। जैसे रवि डज नॉट गो टू स्कूल,
चलो ऐसा करो, आप इसको एफर्मेटिव लिखते हैं, नॉर्मल, रवि गोज टू स्कूल, इसके हिसाब से मनाते हैं ऐसा वाक्य। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। अब इसमें कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सी है और वर्ब कौन सी है? सबसे पहले हमको पकड़ना क्या है? ऑब्जेक्ट पकड़ना है सबसे पहले। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कौन सा कार्य कर रहा है या फिर क्या कर रहा है वो। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है? स्कूल। वो कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। या फिर ऐसे हिंदी में देख लो, रवि गोज टू स्कूल, इंग्लिश में ये है तो हिंदी में देखो रवि स्कूल जाता है। तो रवि कहाँ जाता है? कहाँ का मतलब अगर हम उच्चारण करते हैं तो कहाँ का मतलब हमें पता चल जाता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ है। तो रवि गोज टू स्कूल, रवि स्कूल जाता है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है? स्कूल। तो इसको ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। फिर देखना है ऑब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब का काम है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब क्या काम करती है? मुख्य क्रिया बताती है कि भाई ये है वो इधर उधर आना जाना खाना पीना, वो सब मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब ये हो गई। मेन वर्ब देखना है गोज। मेन वर्ब कौन सी है? गोज। आपके भी आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपके। वेरी गुड वेरी गुड। गोज क्या काम? जाने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गई? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। और लास्ट में जो स्टार्ट में होता है वो मेन वर्ब के जस्ट पहले, सॉरी, सब्जेक्ट। अब ये पता चल गया सब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सी, ये पता चल गया। अब इसके ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला दे रखा है, इसमें आप सबसे पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना। आप भी बना दो, तब तक मैं भी कमेंट देखता हूँ आपका। आप भी बना दो जल्दी से, और फिर मैं जो बनाता हूँ यहाँ पे उसमें देख लेना कौन सा सही है कौन सा गलत है। दिव्या, कीर्ति, रितिका, सुरेश, बहुत अच्छा। आप देखो मिलान करो, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके हिसाब से सब्जेक्ट कौन सा है? रवि। तो यहाँ पे रवि लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब पता, सहायक क्रिया। हमें इतना तो पता है क्योंकि हमने पहले यही बात कही थी कि अगर एफिर्मेटिव सेंटेंस हो तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब के साथ में वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म या एसएएस आता है। तो यहाँ पे देखो ये तो नेगेटिव तो है नहीं, अगर नेगेटिव का होता तो डू या डज आता, डू डज होता तो हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई लगा देते, लेकिन ये तो एफिर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें कोई मेन वर्ब, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? गोज। आ गई गोज। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेन वर्ब के बाद है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, टू स्कूल। सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट का पता हो तो ये स्ट्रक्चर दे रखा है एफर्मेटिव का, इसके अंदर रखे फिर सीधा सोल्व करते हैं। इतना समझ में आया? अगर नहीं आया तो बता दो, कोई डाउट हो तो। चलो चलते हैं, फिर एफिर्मेटिव हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव।
अब है नेगेटिव सेकंड स्ट्रक्चर। नेगेटिव में सबसे पहले वही रखनी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यह है नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसका भी एक एग्जांपल लिखेंगे और फिर समझेंगे अच्छे से। अच्छा एफर्मेटिव वाला समझाएं, अच्छा वो समझाएं, अभी समझाते वही एग्जांपल वापस लेके इसको समझते हैं। एफर्मेटिव में तो कौन सा था, रवि गोज टू स्कूल, ये था एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब ये तो था साधारण। अब साधारण वाक्य को नेगेटिव वाक्य में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, केवल नॉट लगा के। आप बनाओ तब तक, मैं कमेंट्स देखता हूं आपके, फिर मैं मिलान करना है यहां पे। चलो सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, रवि, ये क्या है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां का सेंस लेके हमेशा देखना है, वो ऑब्जेक्ट निकलेगा। कहां लगा के कोई भी सेंटेंस का अर्थ निकालते हो ना, कहां लगा के देखना है। हिंदी में भी सेंटेंस पढ़े होंगे ना, हिंदी में भी वाक्य का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो इंग्लिश में भी आराम से हो जाएगा। कहां जा रहा है वो, स्कूल, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये गोज मेन वर्ब। अब इसको नेगेटिव वाक्य में बनाना है तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रवि, रवि गोज टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब इसको नेगेटिव बनाना तो गोज एस या ई एस है, तो इसको नेगेटिव में बदलने के लिए डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो रवि सिंगुलर का है या फिर प्लूरल का, सिंगुलर का, तो सिंगुलर का। और सिंगुलर के लिए किसका यूज करते हैं, डू का या डच का, डच का, तो रवि डस। फिर नॉट, अब मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और एस या ईएस का भी यूज करते हैं, लेकिन कब एस या ईएस का यूज करना है, कब ईएस ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ये पहले लिखा ही था। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं, और अगर नेगेटिव का है तो उसके लिए ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें वर्ब कौन सी है, ये है गोज। अब ये तो एफर्मेटिव का है इसलिए यहाँ पे ईएस लगा दिया। अब इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो ओनली फॉर गोई लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाक्य में वर्ग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये यहाँ पे कंसेप्ट ये है इसका। फिर नोट आ गया, मेन वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, टू स्कूल, ये हो गया नेगेटिव, ये एफर्मेटिव और ये नेगेटिव। यहां तक कोई डाउट,
कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है था? डू, डज लिखा है था आपको। डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल बहुवचन में, और डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर में। इतना समझ में आया? डू, डज, प्लूरल और सिंगुलर। प्लूरल सेंटेंस के अंदर अगर डू लगा हुआ हो तो वहां पे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और सिंगुलर सेंटेंस हो तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस का यूज करते हैं। इसलिए अब ये देखो, सेंटेंस देखो प्लूरल का है या फिर सिंगुलर का है। रवि, रवि है जो स्कूल जाता है, तो ये प्लूरल का है या फिर सिंगुलर का है बताओ? सिंगुलर, सिंगुलर, तो सिंगुलर का है। सिंगुलर का डू डज में से प्लूरल का ये है, सिंगुलर का ये है, तो रवि सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये डज। फिर नॉट, स्ट्रक्चर के हिसाब से नॉट आ गया। उसके बाद में मेन वर्ब का यूज करते हैं। मेन वर्ब हमने क्या सिखाई थी? अगर एफर्मेटिव सेंटेंस हो, साधारण वाक्य हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस का यूज करते हैं। और अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तो ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस का यूज करते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इधर देखो, ये रवि सिंगुलर का है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई नॉट। अब गो मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं? एफर्मेटिव हो, एफर्मेटिव के लिए यहाँ यस यूज कर लिया, और यहाँ पे देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव में ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो टू स्कूल। अब क्लियर हुआ? यस 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 यस। तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव, पानी पी लेता हूं। एक छोटा सा मोटिवेशन क्वार्ट्स बता देता हूं आपको, वो सुनिए। जिंदगी को आसान नहीं बना सकते, जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है, बस समय को सही बनाना पड़ता है। ये क्वार्ट्स किसकी है पता है आपको? अटल बिहारी वाजपेयी की। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, ऐसे ही आपके बीच
जैसे जैसे क्लासे रेगुलर होती जाएगी वैसे वैसे आपको नए नए क्वार्ट्स सुनाए जाएंगे, मोटिवेट किया जाएगा आपको। और ऐसे हमारे YouTube चैनल पे है मोटिवेशनल लगाए हुए हैं क्वार्ट्स वीडियो वगैरह, तो आप एक बार वहाँ से पूरे वीडियो वगैरह है वो एक बार सुने, लाइक करें उनको, अच्छा लगे तो कमेंट करें। चलते हैं नेक्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत आपको? चलो नहीं है तो चलते हैं तीसरे सेंटेंस के अंदर चलते हैं। तीसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस एफर्मेटिव का हो गया साधारण वाक्य, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य, और तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। प्रश्नवाचक ले लो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले लो, इन सब में सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिखते ही कौन सा सेंटेंस करना है? इंट्रोगेटिव। ये हो गया इसका। अब रिवाइज करते हैं वो तीनों सेंटेंस को वापिस, एफर्मेटिव वाला, नेगेटिव वाला, और इसके रिलेटेड, इन दोनों के रिलेटेड ही ये सेंटेंस बनाएंगे। कौन सा? इंट्रोगेटिव वाला। ये इंट्रोगेटिव, ये फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या लिखा था हमने? रवि गोज टू स्कूल। नेगेटिव में रवि डज नॉट गो टू स्कूल। ये हमने एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिया है, फिर नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, सबसे पहले क्या लेनी है? हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें देखो सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये देखना है। तो जो रवि है वो कौन, क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये नॉट है ही है, नॉट के बाद में जो ये वर्ब दे रखी है, ये मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। क्या है, सीधा रखना है एग्जाम्पल में, ये स्ट्रक्चर दे रखा है इंट्रोगेटिव का, इसमें ये करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज, डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है? रवि। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी है? गो। डज रवि गो टू स्कूल, स्कूल। और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव में
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इन नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके नीचे ही लिख देता हूं फोर्थ वाला, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये फोर्थ सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सेम ये दे रखा है, एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव का बना लिया, उसके नीचे इंट्रोगेटिव इसका एग्जांपल लिख लो, सेम यही है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज, तो डज। फिर सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? रवि, तो यहां पे लिखा रवि। फिर नॉट है, तो यहां पे लिखा नॉट, रवि नॉट। नॉट तक आ गए, उसके बाद में क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? गो, जाना। फिर मेन वर्ब के बाद में क्या है? टू, स्कूल। ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट स्कूल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो आज के लिए यही क्लास समाप्त होती है आपकी, मिलते हैं कल इससे जस्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए अनुमति दें, धन्यवाद।